आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। प्यार और शादी की आड़ में जबरन धन परिवर्तन का जो गोरख धंधा चल रहा है। धमकियां जान से मारने की, धमकियां अंजाम भुगतने की, धमकियां सबक सिखाने की। मानव बम जैसे कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले को कोरोना जिहाद नहीं तो क्या कहा जाए इसको। देश में रोज कोई ना कोई मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बनता है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक समुदाय को काफी टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से एक शब्द देश में काफी सुनने को मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं जिहाद शब्द को लेकर मीडिया या राजनेताओं द्वारा अलग अलग समय पर की गई चर्चाओं के बारे में। इस वीडियो में हम अलग अलग जिहाद पर बात करेंगे। शुरुआत लव जिहाद से ही कर लेते हैं। लव जिहाद शब्द काफी सुर्खियों में रहता है। अब तो इस पर नए कानून भी बनने लगे हैं। मीडिया में लव जिहाद को लेकर कैसी टिप्पणियां होती हैं, आप खुद ही देख लीजिए। जो लोग लव जिहाद के सच को झूठ बताते हैं, आज हम ऐसे ही लोगों के लिए लव जिहाद की क्रूरता की सबसे बड़ी कहानी दिखाने जा रहे हैं। अभी तक जी न्यूज ने आपको हिंदू बेटी को फंसाने के लिए मुख्तार के राहुल बनने का सच दिखाया। अभी तक जी न्यूज ने दिखाया कि कई हिंदू बेटियों को तिलक लगाकर, कलावा पहनकर धोखे का शिकार कैसे बनाया गया, लेकिन आज हम लव जिहाद पर क्रूरता की सबसे बड़ी कहानी दिखाने जा रहे हैं। प्यार और शादी की आड़ में जबरन धन परिवर्तन का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसके खिलाफ अब यूपी हरियाणा समेत कई राज्य कानून बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद पूरी तरह से पैर जमा चुका है, और क्या इसे खत्म करने के लिए देश भर में एक कड़े कानून की आवश्यकता है। अब बात करते हैं दूसरे जिहाद की, जो कि है यूपीएससी जिहाद। ये शब्द हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरने लगा है। यूपीएससी जिहाद शब्द सुदर्शन न्यूज के एक प्रोग्राम से आया है, जिसको लेकर सुदर्शन चैनल को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। यूपीएससी जिहाद का पार्ट 2, नौकरशाही जिहाद का एपिसोड 2, जिसमें मैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये विषय आपके सामने रखूंगा कि कैसे जकात फाउंडेशन, जो कि 40 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 27 उम्मीदवार अकेला अपने यहाँ से बनाता है, उसके इंटरनेशनल लिंक संदेह के घेरे में कैसे है। कल के एपिसोड में हमने आपके सामने तमाम बातें रखी थी, उस हर बात पे हर एक एपिसोड में आगे से लेके जाऊंगा। लेकिन मित्रों, मैं आज के एपिसोड में यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मैंने तो बातें आपको दिखाई थी, बताई थी केवल नौकरशाही पर कब्जे की, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि बात केवल नौकरशाही पर कब्जे की नहीं, हिंदुस्तान पर कब्जे की है। डायग्राम है, नक्शा है, प्लान है, रोड मैप है, कितने सालों में कहां पहुंचना है। 2020 में कोरोना से लॉकडाउन लगा, कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और हमने लाखों मजदूरों को घर पैदल जाते भी देखा। कोरोना के दौरान एक शब्द मीडिया में काफी चर्चा में रहा, जो था कोरोना जिहाद। आखिर हिंदुस्तान की मस्जिदें हिंदुस्तानियों के लिए कैसे खतरा बन रही है, और मानव बम जैसे कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले को कोरोना जिहाद नहीं तो क्या कहा जाए। इस कोरोना जिहाद का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे जिहादियों के ऊपर सख्त से सख्त कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की। पूरे देश में पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन है, और तबलीगी जमात ने 135 करोड़ लोगों की 10 दिनों की इस मेहनत को बर्बाद कर दिया है। आपने 10 दिन में जो कुर्बानी दी, कुछ हजार लोगों ने मिलकर उस पूरी कुर्बानी पर पानी फेर दिया। अब तक हमने कोरोना को महामारी बनने नहीं दिया था, जी हाँ ये सच है, लेकिन जमातियों की बेवकूफी ने कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है। जमातियों के साथ देश के 14 राज्यों में कोरोना फैल गया है। हैरानी ये है कि 24 घंटे में 332 मामले सिर्फ इन जमातियों की वजह से बढ़े। इसके अलावा जी न्यूज पर पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में कश्मीर में जमीन कब्जे को लेकर स्टोरी की। इसमें सुधीर चौधरी ने जमीन को जिहाद से जोड़ दिया, और इस प्रोग्राम का नाम भी जमीन जिहाद रखा। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में लव जिहाद की तरह अब जमीन जिहाद भी हो रही है। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। वैसे तो इस देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना किसी का भी जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, लेकिन इसी देश के बेहद संवेदनशील राज्य में
अगर ये जन्म सिद्ध अधिकार सिस्टम के ही आशीर्वाद से जिहाद का एक हथियार बन जाए तो आप क्या कहेंगे? इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में पिछले 17 वर्षों के दौरान इस बहुत बड़े जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया और देश को पता ही नहीं चला। ये वो जिहाद है जिसके दम पर पाकिस्तान भारत को तोड़ने का सपना वर्षों से देख रहा है। इस प्रोग्राम के बाद सुधीर चौधरी को गुस्से में आए लोगों ने कुछ मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, जिसको नाम दिया गया धमकी जिहाद। अब कैसे धमकी को भी उन्होंने जिहाद से जोड़ दिया, ये देख लीजिए आप। FIR तो हुई ना सुधीर चौधरी के खिलाफ, अब FIR के बाद धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई सीनियर्स को। धमकियां जान से मारने की, धमकियां अंजाम भुगतने की, धमकियां सबक सिखाने की, और धमकियां पाकिस्तान में राज्यों में FIR करवाने की। जो पाकिस्तान में बैठा धमकी देने वाला कॉलर है वो कह रहा है कि इन इन राज्यों में FIR होगी आपके खिलाफ, सुधीर चौधरी आपके खिलाफ। मतलब धमकियां सबक सिखाने की, धमकियां अंजाम भुगतने की, धमकियां राज्यों में FIR करवाने की, ये धमकियां पाकिस्तान से मिलनी शुरू हो गई। मतलब आप समझिए, जब से जी न्यूज ने भारत की जिहाद फैक्ट्री के खिलाफ ताल ठोकी है, इससे पाकिस्तान बौखला गया है। मतलब पाकिस्तान को भारत की जिहादी गैंग से इतनी सहानुभूति है, इसका मतलब ये समझिए कि जी न्यूज का जिहाद पर प्रहार पाकिस्तान में हाहाकार। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को लगातार अलग अलग नंबर से पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। उनके मोबाइल के व्हाट्सएप अकाउंट पर पाकिस्तान के कई मोबाइल नंबर से धमकी भरे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। धमकी जिहाद तक तो फिर भी ठीक था, पर कुछ लोगों ने जमीन जिहाद वाले प्रोग्राम के मद्देनजर सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इस पर चैनल ने स्टोरी की तो नाम दिया FIR जिहाद। क्या जिहाद के खिलाफ बोलना जुर्म है क्या? क्या जिहाद के खिलाफ जी न्यूज को ताल नहीं ठोकनी चाहिए थी क्या? अगर जिहाद के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए था क्या? अगर जम्मू में जमीन जिहाद की साजिश हुई, सरकारी जमीन पर संप्रदाय के आधार पर कब्जा करके जमीन जिहाद हुआ, तो हमें आंखें बंद कर बैठ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, जी न्यूज़ पे चुप रहना चाहिए था। अगर केरल में लव जिहाद के नाम पर हिंदू ईसाई लड़कियों को शिकार बनाया गया, उनको आतंकी साजिश के तहत उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका NIA ने भी जिक्र किया, तो भी हमें शायद जी न्यूज़ को धृतराष्ट्र बन जाना चाहिए था, हमें चुप रहना चाहिए था। जनसंख्या जिहाद के नाम पर अगर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है तो हमें अपने होट से लेने चाहिए थे। अगर कट्टर जिहाद के नाम पर देश में जगह जगह आतंकी हमले हो रहे हैं तो भी हमें इस जिहाद पर खामोश रहना चाहिए था। देश में जब लव जिहाद के बारे में मीडिया में काफी सुनने को मिल रहा था, तब एक और जिहाद सामने आया था जिसका नाम रखा गया था धर्मांतरण जिहाद। धर्मांतरण जिहाद के अनुसार मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए कहता है। इस मुद्दे को लेकर पत्रकार दीपक चौरसिया ने अपने ट्विटर पर ट्वीट भी किया, जिसका नाम रखा धर्मांतरण जिहाद। देश में और भी कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अपने एक शो में इन मुद्दों को जिहाद के अलग अलग प्रकार बता दिया। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डीकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं चाहे किसी भी धर्म के हों। तो आपने देखा कि मीडिया में किस तरह का एजेंडा चलाया जाता है। शायद ये तो नहीं पता कि ये कहां से आते हैं, पर मीडिया में सुर्खियां जरूर बटोर लेते हैं। अगर हम किसी ऐसे ही जिहाद का नाम बताना भूल गए हों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।